ग्लो और ग्लोइंग स्किन हर बॉय चाहते हैं मेरी स्किन ग्लोइंग हो। और आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपकी स्किन दूध जैसी गोरी होगी। दूध जैसी गोरी का मतलब ये सेंस मत लगाना दूध जैसे गोरे चिट्टे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दूध जैसी गोरी का मतलब उससे कोरिलेट कीजिए, दूध में जैसे कोई भी दाग धब्बे नहीं होते, तो कुछ इस टाइप को आपको स्किन मिलेगा। आज मैं आपको एक ऐसा पैक बताऊंगी जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। अगर आपकी स्किन पे डार्क सर्कल्स है, पिगमेंटेशन है, या तो फिर आपको पिम्पल्स आती है, या तो फिर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स के बहुत ज़्यादा दाग धब्बे रह गए हैं, तो आपके आईज़ के नीचे काले घेरे हो गए, डार्क सर्कल्स आप जिसको बोल सकते हो, तो ये सब चीज़ों को दूर कैसे करना, वो एक पैक आपको मतलब ऐसे आपके बूस्टर की तरह काम करेगा, सुपर फूड की तरह काम करेगा। और एक और चीज़ मैं मेंशन कर देती हूँ, आप कुछ भी लगा लो कर लो, लेकिन आपको अंदर से भी ग्लोइंग बनाने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मनली अब मास्क लगा लो तो आप चाहोगे मैं आपका जो भी आपकी स्किन प्रॉब्लम वो सारे दूर हो जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आपको अंदर से विटामिन सी वगैरह जो है वो आप लिया करें। और मेरी बात मानिए, अगर बहुत ज़्यादा आपकी स्किन फ्लेकी डल हो गई है, या तो फिर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, या तो फिर आपकी स्किन की टेक्सचर अच्छी नहीं है, तो इसके लिए डार्क जरूर किया कीजिए। एकदम आपके स्किन के लिए, आपके बॉडी के लिए एकदम रामबाण की तरह वॉक करता है ये, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मेरी जो भी वीडियोज़ होते हैं, बॉयज़ हो या गर्ल हो, हर कोई बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है गर्ल हो बॉय हो सभी के, आपके फरमाइश का वीडियोस बनाऊं, तो मैं आपके फरमाइश पे वीडियो लेकर के आ गई हूँ। अभी पर्पल पे चल रहे हैं, बहुत अच्छी सेल चल रही है, up to 40% ऑफ मिल जाता है। और मैं यहाँ पे हल्दी चंदन पाउडर दिखा रही हूँ, फेस पैक जो व्याम आयुर्वेदा का है। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहती है, आपकी स्किन पे एक्निंग होती है, रेडनेस होती है, आपकी स्किन इरिटेट होती है, ये सब चीज़ों को रिड्यूस करेगा और आपके स्किन को लाइट ब्राइट और कम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको शो कर रही हूँ, व्याम आयुर्वेदा का लिक्वारिस फेस पैक। ये एंटी डार्क स्पॉट्स रिमूवल का ये काम करता है, ये आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। अगर आपकी स्किन पिगमेंटेशन या तो फिर डार्क स्पॉट्स बहुत ज़्यादा है, ब्लैक है, आपके स्किन पे बहुत अनइवन स्किन टोन है, तो इसे रिड्यूस करने के लिए आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। और आपकी स्किन पे एजिंग की प्रॉब्लम है उसे भी रिड्यूस करता है। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से अपने लिए परचेज कर सकते हैं, अभी अच्छी डील चल रही है। तो चलिए ऑल स्किन टाइप्स के लिए कस्टमाइज फेस पैक बनाती हूँ। इस फेस पैक को बनाने के लिए 1 से 1.5 टीस्पून लिकोरस पाउडर चाहिए और 1 टीस्पून रोज़ पाउडर चाहिए, जो मैं आयूर का यूज़ कर रही हूँ, और घर की बनी हुई बेसन मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून, और कुछ एसेंशियल ऑयल के कुछ बूंदे मिला दूंगी। इससे आपके फेस पैक में खुशबू भी ऐड हो जाएगी और ये आपके स्किन पे एज ए मेडिकल की तरह वर्क करता है, एज ए प्रिजर्वेटिव की तरह भी वर्क करेगा, तो ये आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, मिक्स कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का आपको पाउडर मिल जाएगा। और उसके बाद चलिए इसको लगाना कैसे अब बात आती है। तो आप कच्चा मिल्क या तो फिर जो चावल का पानी होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, 1 टीस्पून अपने फेस के अकॉर्डिंग ले करके उसे उसमें मिला ले। और आपको अगर एक्निंग की प्रॉब्लम है तो 1/2 टीस्पून हनी ऐड कर ले। अगर आपको आपके स्किन पे थोड़ा सा और ग्लो चाहिए तो 1-2 बूंदे आप उसमें कुछ लेमन की बूंदे ऐड कर ले उसका जूस, और अच्छे तरीके से मिला ले। मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके का फेस पैक मिलेगा, एकदम ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी का। मैं बताती हूँ अगर इस मास्क को लगाना कैसे है, ऐसा नहीं है वनली आप फेस धोया हो गया आपने मास्क लगा लिया, नहीं, किसी भी मास्क लगाने के लिए बहुत ऐसी बॉयस हैं, मास्क जब लगाना होता है या फिर फेशियल करना पड़ता है तो वो फेस वॉश नहीं करते, वनली नॉर्मल वाटर से अपना फेस क्लीन किए और अपना जो भी अपना मतलब वो फेशियल हो गया या फिर अपना जो भी मास्क वगैरह लगाते हैं वो ऐसे लगा लेते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है।
सही तरीका तब होता है अपनी जो भी स्किन की है उसको सबसे पहले फेस वॉश करके जो भी गंदगी है उससे निकाल दें, ठीक है। उसके बाद आपको गुलाब जल लगा करके आपको फेस पैक लगाना है, क्योंकि आप जब फेस वॉश कर लेते हैं तो आपकी स्किन मतलब ड्राई होने लगती है। तो गुलाब जल जो होता है वो आपकी स्किन को एकदम सूद कर देता है और आपकी स्किन सॉफ्ट लगती है, तो ये स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद गुलाब जल से अच्छे तरीके से अपने फेस को क्लीन कर ले, या तो फिर आप स्प्रिंकल ऐसे टोनिंग की तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको मास्क को लगाना है, पूरे फेस पे लगाना है और नेक को अवॉइड मत कीजिएगा, क्योंकि आपका फेस और नेक दोनों अलग ही लगेगा। मेरी स्किन पहले की, अगर आप मुझे कमेंट करो मैं आपको बता दूँगी, पहले की अपेक्षा और आज में मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आई है। और काफ़ी लोग बोलते भी हैं और पूछते भी है, समीक्षा तुम क्या लगाती हो, कि इतनी तुम बचपन में काली थी या तो फिर 4 साल पहले इतनी तुम गोरी कैसे हो गई। बहुत ऐसे जाती हूँ आंटी लोग, वो लोग भी बोलते हैं, मौसी लोग भी बोलती है, अब तो तुम, मेरी माँ को बोलती है, तो आई बेटी तो पहचान में नहीं आती है, बहुत चेंज हो गई है। तो मैं भी यही सब चीज़ें करके मैं कोई भी हाई फाई ब्रांड का कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स मैं यूज़ नहीं करती थी। मेकअप से तो ऐसे भी मैं दूर रहती हूँ, स्किन केयर मैं नहीं करती थी, जो भी ये घर की चीज़ें मैं यूज़ करती थी। तो आप भी घर की चीज़ें यूज़ कीजिए और अपनी स्किन को ग्लोइंग और निखारिए, और अपनी स्किन को जो भी फ्लेकी स्किन है उस चीज़ को दूर कीजिए। तो और हाँ, उसके बाद आपको 20 मिनट तक पूरे फेस पे आपको लगा के रहने देना है। उसके बाद आपको ऐसे ही जाके क्लीन नहीं करना है, एक और स्टेप यहाँ बढ़ जाता है। जब आप निकालेंगे अगर सूख जाएगा, आपका हल्का गीला सूखा होना चाहिए, एकदम पूरा ड्राई नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे रगड़ के ऐसे ऐसे मलमल के निकालना है। अगर मलमल के निकालेंगे ना तो आपकी छोटी छोटी जो हेयर होते हैं फेशियल दाढ़ी के ऊपर अनवांटेड जो होते हैं वो निकल जाएंगी और आपकी स्किन की जो भी गंदगी है वो निकल जाएगी। और बात आती है आपको कितने बार लगाना है, तो आपको वीक में 3 बार लगाना है, एक दिन अल्टरनेट करके आपको पर डे नहीं लगाना है, ठीक है। और इसकी बेनिफिट्स ये भी है, अगर आप इसे लगाते हैं तो आपकी स्किन की जो भी काली है, दाग धब्बे, स्किन के जो भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम को ये सॉर्ट आउट करेगा। और सारी चीज़ें मैंने तो पहले ही बता ही दी है क्या क्या आपकी स्किन के प्रॉब्लम को दूर करेगा, ठीक है। और ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करके जाएगा, आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग रहेगी। आपको क्या चाहिए, आपकी स्किन हेल्दी ग्लोइंग है तो फिर आप क्या कहना है। तो जरूर इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा, और बेसन में जो भी ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो आपकी स्किन को ग्लोइंग ब्राइट बनाता है और आपकी स्किन के पोर्स के अंदर जाके गहराई से डीपली उसको क्लीन करके डेड स्किन की जो लेयर होती है उसे निकाल देती है। और हाँ, बॉयस लोग के नोज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं ब्लैकहेड्स, तो उसे भी जरूर निकाला करें, आपकी स्किन एकदम खिली सी और ग्लोइंग लगेगी। तो ये रेमेडी जरूर ट्राई कीजिएगा, आपकी स्किन के लिए बहुत एज ए बूस्टर की तरह वर्क करेगा। और अगर वीडियो का पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, इसके बाद आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं वो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ एक और बेहतरीन एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए बाय।